अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, फूडीज़ की किचन में आज मैं बना रही हूँ चीज़ी मैकबॉल। चलिए जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चीज़ी मैकबॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 आलू। आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। कॉर्नफ्लोर लेंगे हम, लेंगे ब्रेड क्रम्स, एक अंडा, और यहाँ पे मैंने बॉयल मैक्रोनी ली है और चीज़ लिए। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और हमारे स्पाइसेस में देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने साल्ट लिया है, और 1/4 चम्मच जो है मैंने वो गरम मसाला लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है, और 1 टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। चलिए जी हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मैश करके रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मसाले डालेंगे। हमने हरा धनिया डाल दिया, ज़ीरा डालना है, नमक डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, चिकन पाउडर और रेड मिर्ची। ये हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। मैं फॉक से मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। यहाँ पे मेरा मिक्स हो गया है सारा। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद अभी हमें बॉल बनानी है। बॉल बनाने के लिए पहले मैं अपने हाथ पे लूँगी थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये चिपके ना। ऑयल मैंने लगा लिया है, अब मैं बॉल बनाऊँगी। बॉल बनाने के लिए हमने थोड़ा सा इस तरह लेना है, इस तरह प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी। मैं आपको बॉल बना के दिखा रही हूँ। मैक्रोनी डालेंगे इस तरह। मैक्रोनी डालने के बाद इसके बाद हम डालेंगे चीज़ इस तरह। हमने चीज़ डाली, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, बॉल बनाएंगे इसकी। इस तरह हम इसकी बॉल बना लेंगे। इस तरीके से ये हमारी बॉल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बॉल बन चुकी है। अब हम इसको डालेंगे पहले कॉर्नफ्लोर में। कॉर्नफ्लोर में डिप करके फिर हम इसे गोल सेट करेंगे। उसके बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप किया, उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, और इसी तरह हम अपनी सारी बॉल्स बना लेंगे। ये मेरी बॉल्स रेडी हो गई। इसी तरह हम सारी बनाते हैं, फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। जी ये अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसे हमें फ्राई करना है डीप। ये हमने फ्राई करना है, इस तरह डीप फ्राई करना है। ये हमने सारे फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अब जैसे ही ये लाइट ब्राउन होंगे हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। ये हमारी बॉल फ्राई हो चुकी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बन गई। आप भले इसे छोटी बना लीजिएगा। अब इसे हम ऊपर से थोड़ा सा मायो डाल देंगे, इस तरीके से मायोनीज हम डालेंगे। इसकी ऑलरेडी चीज़ बाहर आ चुकी है। जी तो ये मेरी रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।